कार्य योजना बनाकर लागू करें, निगरानी समितियां स्थापित करें, सर्विलांस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए, अस्पतालों में कोविड हेल्प डेस्क बनाए, कोरोना से बचाव के उपचारों उपायों का भी यहां पर देखिए जो है वो प्रचार करना चाहिए, इसका भी जिक्र किया है सीएम ने। पुलिस को संक्रमण से सुरक्षित भी रखा जाए, अवैध प्लाटिंग करने वालों पर कार्रवाई की जाए फिलहाल देखिए एनसीआर में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश हैं कि कोरोना को देखते हुए कतई भी कोताही ना बरती जाए, अवैध प्लाटिंग करने वालों पर कार्रवाई होगी, एनसीआर में संक्रमण रोकने के निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। उन्होंने कहा है कि कार्य योजना बनाकर लागू करें, इसे निगरानी समितियां भी स्थापित करें जो कि निगरानी रखे बराबर मामलों पर, सर्विलांस व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाए जाने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। साथ ही साथ अस्पतालों में कोविड हेल्प डेस्क को भी बनाया जाए, कोरोना से बचाव के उपायों का प्रचार करना जरूरी है, पुलिस को संक्रमण से सुरक्षित भी रखना है हमें। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, सीएम की चिंता साफ जाहिर होती हुई एक नया निर्देश उनकी तरफ से सामने आ चुका है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी, कैसे इसे इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है और इसीलिए आज मुख्यमंत्री ने कोविड 19 को लेकर के जो अपनी टीम 11 की मीटिंग है, सख्त निर्देश दिए हैं कि एनसीआर में एक कार्य योजना बनाई जाए, क्योंकि वहां देखा है कि किस तरीके से मामले तेजी से बढ़े हैं और दिल्ली से सटा हुआ दिल्ली में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फोर्स के लोग मसलन पीएसी डायल 100 पुलिस के लोग संक्रमण से बचे, इसको लेकर के भी एक कार्य योजना को बनाने को कहा गया है। ये कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि निगरानी समितियां रहें और ये सबकी मॉनिटरिंग करें, फोर्स का बचना बहुत जरूरी है। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। संत कबीरनगर से अगली खबर, जहां पर 14 नए कोरोना के संक्रमित मिले, यहां पर जिले में संक्रमितों की संख्या